गुड मॉर्निंग ऑल दी स्टूडेंट ऑफ क्लास 9। जैसा कि कल हमने आपको प्रॉब्लम नंबर 1.3 की प्रॉब्लम नंबर 4 बताया था, आज हम प्रॉब्लम नंबर 5 पे आएंगे। क्वेश्चन सुन लेंगे। व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट बी इन रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17। परफॉर्म द डिवीजन टू चेक योर आंसर। हम इसमें देखेंगे 1/17 यानी जब 17 को आप 1 से डिवाइड करेंगे तो कितने डिजिट के बाद क्यूटेंट में नंबर रिपीट होगा। द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट इन द क्यूटेंट व्हाइल कंप्यूटिंग 1/17 इज 17 - 1 = 16। यानी हमें इससे ये पता लग गया कि 16 डिजिट के बाद क्यूटेंट जो है वो रिपीट हो। फिर हम क्या करेंगे, 17 को 1 से डिवाइड करेंगे, पॉइंट लगाएंगे, एक जीरो बढ़ाएंगे, फिर जीरो बढ़ाएंगे, दूसरा जीरो बढ़ाएंगे, 17 5 = 85, फिर 17 8 = 136, फिर 17 8 = 136, 17 2 = 34, 17 3 = 51, 17 5 = 85, 17 2 = 34, 17 9 = 153, 17 4 = 68 17 1 = 17 17 1 = 17 17 7 = 119 17 6 = 102 80 17 4 = 68 and 17 9 7 = 119। यानी ये 1 आ गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यानी 16 डिजिट के बाद फिर यही नंबर रिपीट करने लगेगा। तो 1/17 का वो होगा 0.058823529411764 पे बार यहाँ से नंबर रिपीट। फिर हम आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है लुक एट द सेवरल एग्जांपल ऑफ रेशनल नंबर इन द फॉर्म पी बाई क्यू, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर विद नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1 एंड हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी क्यू मस्ट बी सैटिस्फाई। तो कह रहा है कि टर्मिनेटिंग, किसी भी नंबर को टर्मिनेटिंग डेसिमल में अगर आपको रिप्रेजेंट करना है तो क्यू किस प्रॉपर्टी को सैटिस्फाई करेगा। If the denominator of a rational number is standard form, has no prime factor other than 2 or 5, या तो नंबर 2 होना चाहिए या 5 होना चाहिए, इसके अतिरिक्त अगर होगा तो ये terminating decimal में represent नहीं हो सकता है, then it can be represent as a terminating decimal, 2 होगा या 5 होगा तभी ये terminating decimal में represent होगा। Question number 7 में राइट 3 नंबर हुज डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन डिकोडिंग। देखिए 3 नंबर जो है वो हमें लिखना है जो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन डिकोडिंग होगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 आप देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 आपका 3 नंबर होंगे जो नॉन टर्मिनेट भी नहीं होंगे और ना रिकवर होंगे। इसे हम लिख सकते हैं 0.10100100 ... सेकंड पे लिख सकते हैं 0.20200200 ... 0.30300000 ... ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर है, इसलिए ये इरेशनल नंबर है। ये 3 इरेशनल नंबर आपके हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पे आएंगे, फाइंड द 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर बिटवीन रेशनल नंबर 5/7 एंड 9/11। रेशनल नंबर 5/7 और 9/11 दो रेशनल नंबर हैं, इनके बीच में हमें 3 इरेशनल नंबर निकालना है। 7 को 5 से डिवाइड करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 7.714225। फिर यहीं से नंबर रिपीट होने लगेगा और जब 11 को 9 से डिवाइड करेंगे तो 0.81 ये नंबर यहाँ से रिपीट होगा, यानी 0.71
एंड 0.81 के बीच में से तीन इरेशनल नंबर निकालने हैं, वो नंबर होंगे 0.750, 7500, 75000, 75…। 0.760, 760, 7600, 7600… 0.808000, 8000, 8000… ये क्वेश्चन नंबर आपका 8 हुआ। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर एज रेशनल और इरेशनल। क्लासिफाई यानी पहचान करना है कि नंबर रेशनल है या इरेशनल है। √23 इज ए इरेशनल नंबर। क्यों इरेशनल? क्योंकि 23 जो का जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनेगा। सेकंड में क्या कह रहा है, √225 इसका परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, यानी इट इज परफेक्ट स्क्वायर, सो इट इज रेशनल नंबर। थर्ड पे देखेंगे 0.73796 इज ए रेशनल नंबर। क्यों रेशनल नंबर है? क्योंकि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है।